शिमला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के सांसद और पच्छाद के पूर्व विधायक सुरेश कश्यप पर उपचुनाव के दौरान पैसे बांटने के आरोप लग रहे हैं। इस बारे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पच्छाद उपचुनाव में सांसद द्वारा मतदाताओं को खरीदने का आरोप लगाया जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होकर ये चुनाव हो, अदरवाइज इसका बहिष्कार करे, इलेक्शन कमीशन रद्द करे तो ये बात सही है। उन्होंने हमारे सामने 5,000 रुपये दिए और उसमें उनकी स्पीच थी, वो भी अभद्र टिप्पणी कर रहे थे और हमने आज शांडी जी की स्पीच भी सुनी। हमें इनकी स्पीच सुन के खुशी हुई, काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने स्पीच, हमें ये लगा कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक सामने जो स्पीच दे रहा है, ये नहीं है कि बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने वो नहीं किया। हम यही तो कहना चाहते हैं कि आप बुराइयाँ छोड़ो, आप अपनी अच्छाइयाँ बताओ कि हम आपको क्यों वोट करें। आप अपनी अच्छाइयाँ बताओ, दूसरों की बुराई छोड़िए। ये हम भी जानते हैं ये चुनावी स्टंट है कि आप उनकी बुराई करेंगे तो आपको मत प्राप्त होंगे, वोट मिलेंगे, पर हम ये नहीं जानते कि ये खरीदारी किस लिए है। मतदाताओं को बहकाया जा रहा है, ठीक है, इस वजह से आप मत प्राप्त करेंगे क्या? हाँ, ये हमारा गाँव है, हमारे गाँव की बिल्कुल भी तरक्की नहीं है। मैं आपके पास भी कहता हूँ, किसी और के पास भी यही कहूँगा, हमारे गांव की कोई तरक्की नहीं है। एक सड़क का मिल जाना महज एक तरक्की नहीं है जी, ठीक है जी। यहाँ पे ना सामुदायिक भवन है, यहाँ जो कृषि के लिए सिंचाई का जो व्यवस्था है कूल की, वो टूटी फूटी है, तहस नहस है। हम लोग खुद उसकी मरम्मत करते हैं हर साल, हर 6 महीने, ठीक है। यहाँ पे रोड के हाल आप देख लीजिए, नया बंदा कोई भी आता है पुल के पास गाड़ी खड़ी करता है कि हम नहीं आ सकते, डर लगता है। क्यों लगता है डर भाई? क्योंकि झटके ऐसे लगते हैं सर, मरीज को ले जाना मुश्किल है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा जो रोड बना है उसमें लोग अपनी दीवारें ऐसे ऐसे आगे आगे करके रोड तंग कर दिया है। यहाँ के लिए बस नहीं आ सकती, बस व्यवस्था बंद है, ठीक है। जो गाड़ी वाले वो तो गाड़ी में आ जाते हैं, गरीब लोग क्या करें, सरकार क्या कर रही है गरीब लोग के लिए, हम तो ये जानना चाहते हैं सीधी सी बात, ठीक है। बाकी जो ये बिकने वाली बात हमारे से नहीं होगी, ना अभी होगी ना कभी होगी, ये हमारा इनकार है सबके लिए। जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हम सबके साथ हैं। अगर विकास होगा तो, अगर ये खरीदारी की बात है कि 5,000 में मैं बिक जाऊंगा या ये बिक जाएंगे, ये गलत बात है।